गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी के एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी एक बिल्कुल शाम की न्यूज़ है, बहुत ताज़ा न्यूज़ आई है कि इसमें जो 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा है ना, जो 4 अप्रैल की न्यूज़ है, इसमें स्पेशल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जो कि शिक्षा मित्रों के द्वारा दाखिल की गई है। और दूसरी बात, जो ये अफवाह फैला रखी है कि 60-65 वालों ने कैविएट डाली है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में वो ही कैविएट डालते हैं जो जीता हुआ पक्ष होता है। तो दोस्तों आगे की न्यूज़ जानने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि जो न्यूज़ आप तक मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि आपके दोस्तों तक भी ये न्यूज़ अवश्य ही मिले, मेरी यही आशा है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। दोस्तों चलते हैं न्यूज़ पर। न्यूज़ इस प्रकार है कि देखिए कि कुछ व्यक्तियों ने हल्ला मचा रखा है कि 60-65 वालों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। और मैं कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी कैविएट के बारे में आप सभी को बता चुका था कि कैविएट होती क्या है। देखिए जो कैविएट होती है वो जीती हुई पार्टी डालती है, जो जीती हुई पक्ष होता है वो ही इसमें पार्टी डालती है। देखिए सरकार इसमें कभी भी कैबिनेट नहीं डाल सकती और ना ही 60-65 वाले इसमें कैबिनेट डाल सकते, क्योंकि केस जो हार रही है वो सरकार आ रही है, ना कि बीएड और बीटीसी वाले आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर डबल बेंच में जाना है, जाना भी है, तो केवल सरकार की सरकार जाएगी, ना कि 60 और 65 वाले जाएंगे, मतलब बीएड और बीटीसी वाले जाएंगे, क्योंकि केस तो सरकार आ रही है, बीएड और बीटीसी वाले थोड़ी केस आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको कैबिनेट के बारे में दिखा दें कि कैबिनेट किस नाम डली है और कैसे डली है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेंट जुडिशन है ना, कैविट नंबर ऑफ 2019 प्रपोज स्पेशल लीव पिटिशन अर्जिंग आउट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डे 29 मार्च 2019 इन सर्विस सिंगल नंबर 2730। आप देख रहे होंगे ये कैविट डाली हुई है, किसी वंदना सिंह के नाम से डाली हुई है। किसके नाम डाली गई है? ये किसी वंदना सिंह के नाम से ये 2730 नंबर है, ये कैबिनेट आपको डाली गई है। और देखिए ये 2730 जो है, ये आप ये जो रिजवान टीम थी उसकी एक उसका एक मेंबर है जिनका नाम वंदना सिंह है, ये उन्हीं के नाम से डली हुई है। दोस्तों हम इसको भी चलते हैं, इसको भी दिखाते हैं किसने दे। देखो ये दोस्तों आप दिखाता हूँ आपको, ये वंदना सिंह है, ये कौन है? रिजवान एंड टीम के द्वारा ये डाली गई है। और ये कब डाली गई है? 4 अप्रैल को डाली गई है। कब डाली गई दोस्तों? आप देख रहे होगे सर्किल में कैबिनेट नंबर मिला हुआ, 4 अप्रैल और सब कुछ दिखाई दे रहा आपको। ये क्या थी? ये कैबिनेट जो वंदना सिंह है, ये रिजवान एंड टीम की जो याचिका थे, मतलब सभी जुड़े हुए थे, वो इससे वो जुड़े हुए हैं जिन्होंने कैबिनेट डाले हैं। अब देखिए हम इसको जो 2730 नंबर है ना, जो 2730 नंबर हम इसको आपको अभी दिखाते हैं कि 2730 नंबर ये वंदना सिंह का है किसकी लिस्ट में। देखिए दोस्तों देखेंगे दोस्तों इसमें देखिए रिसीव्ड नंबर 22/2/2019 डिलीवर्ड केस कब हुआ है? ये 29 मार्च 2019 को एक डिलीवर हुआ। देखिए केस क्या है कि सर्विस सिंगल नंबर 1188 है ना, पेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान अदर है ना, जिसके मतलब क्या है कि बेसिक एजुकेशन इलाहाबाद से संबंधित है। और इसमें जो काउंसिल पेटर है वो है अमित कुमार भदौदिया एंड उपेंद्र नाथ मिश्रा है ना, और इसमें काउंसिलर जो है CCS अजय कुमार अमेंद्र, मतलब बहुत सारे हैं। तो और हम आपको दिखाते हैं कि इसी केस संबंधित जो थी, इसमें नंबर वन केस नंबर मोहम्मद रिजवान एंड अदर दिखा रहा। तो देखिए जो वंदन सिंह है जिन्होंने केवी डाले हैं उसके बारे में हम आपको अभी देखिए, आप देखें केस नंबर 4 पर है ना, जो जिस प्रकार के रिजवान का केस नंबर 1 पर था, क्या था? केस नंबर 4 पर है क्या कि सर्विस नंबर 2730 है ना, कौन है? पेटर्न सर है वंदना सिंह एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी है ना, प्राइमरी सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन ऑफ अदर है ना, और क्या पेटर्न सर है अग्निहोत्री एंड त्रिपाठी सुशील प्रकाश पांडे ना, और काउंसिल रेस्पॉन्डेंट है CCS अजय कुमार एंड मनोज कुमार अवस्थी। दोस्तों ये कैबिनेट के बारे में ये भी क्लियर हो चुका है कि कैबिनेट किसके द्वारा डाली गई थी, वो वंदना सिंह के द्वारा डाली गई है। और इसमें कैबिनेट का नंबर जो है किसके द्वारा थी, वो 2730 का नंबर है ना, कि दोस्तों क्लियर हो चुका है कि कैबिनेट जो जो शिक्षा मित्र थे उनके वकीलों द्वारा डाली गई है, ना कि इसमें जो आपके जो 60 और 65 वाले व्यक्ति उन्होंने डाली है ना। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो साथ बने रहें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों आप हमारे आने वाली न्यूज वीडियो के साथ बने रहें, आप हमारे आने वाली जो वीडियो है किसी न्यूज़ लेकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। थैंक यू, धन्यवाद।